जाइए जल पी लीजिए, वो लाल वृक्ष कर डालेगा कि जल कहाँ से भरे, साफ सुथरा है कि नहीं, कुआ से है बाबड़ी से है, लेकिन जल को स्पर्श तक नहीं करेगा क्योंकि उसे प्यास नहीं है और वो चला जाएगा। इसी तरह जो भक्तगण इस संसार के ताप से, जो ताप है कितने प्रकार के दैहिक दैहिक भौतिक, इन तापों की गर्मी से जो परेशान है, वो चाहेगा कि अमृत मिल जाए, ठंडा ठंडा अमृत मिल जाए, बस प्रभु की कथा रूपी अमृत मिल जाए, ताकि इस माया रूपी अग्नि से हम बच सके, माया रूपी गर्मी से हम छुटकारा पा सके। और वो कथा जहाँ पे होगी वो भाग कर जाएगा और तुरंत बैठ जाएगा और श्रोता बनकर उस अमृत को पान करेगा। लेकिन जिसे कथा सुनने की चाह नहीं, इच्छा नहीं है, वो कहे अरे भैया बैल जी ऐसे ही है, कुछ कहते नहीं है, क्या क्या सुनना, वही कथा है, अरे बार बार सुनते रहे हैं, कल यहाँ सुना कल वहां सुना, तो वो सच्चा भक्त को परेशान करेगा, वो तो सुनेगा नहीं, दूसरों को भी परेशान करेगा। इसलिए केवल भावुक और रसिक जनों का ही नाम लिया गया है, जो भावुक है वो रसिक है, वो केवल अमृत पान करने के लिए आए। ये कथा अमृत सबके लिए नहीं है, क्योंकि जब देवताओं के लिए उपलब्ध नहीं है तो अरे गरे के लिए क्या, जो भक्त है उसके लिए ही उपलब्ध है, जो प्रेम से प्रीति से आए उसे ये अमृत पिलाया जाएगा। मतलब व्यास महाराज से किसी ने पूछ लिया कि महाराज ये आपने कहा रस है, तो कौन सा रस है? अब आम में अगर रस हो तो आम रस कहा जाता है, और इस फल को, इस अमृत फल को, फल में तो गुठली होती है, तो इसमें भी गुठली होगी, तो बताइए कि ये फल कौन सा है, इस फल में कौन सा रस है, और ये फल कहां से आया? मतलब व्यास महाराज ने कहा ये फल एक शाखा से दूसरी शाखा होते हुए नीचे आया, और ये फल पिलपिला नहीं है, इसमें अमृत रस भरा है, इसमें ना गुठली है ना छिलका है, इसे तो बस पियो, जहां भी मिले मन से पियो। किसी ने कहा तो भागवत ये जो फल है, ये जो रस है, इसकी क्या महिमा है? तो कहा इसकी महिमा, अरे हम कथा में नहीं गए, हमने केवल घर में ही संकल्प कर लिया कि हम कथा सुनने जाएंगे, जैसे ही संकल्प कर लिया गोविंद आकर हृदय में विराजमान हो गए। कथा की महिमा देखिए कि कथा सुनने तो नहीं गए, बस केवल विचार किया था, और विचार करने के साथ साथ प्रभु आकर हृदय में विराजमान हो गए, और ऐसे अवरुद्ध हो गए कि अब चाहकर भी निकल नहीं पा रहे हैं। तो कथा की महिमा है, इसलिए जहां भी मिले हर जगह सुनो, ये मत देखो कि कौन व्यास है, कौन कथा बाज रहा है, बाज रही है, कोई भेदभाव नहीं है, जो भी कथा सुनाए वो ही सृष्टि है, वो ही वक्ता है, और जब कोई कथा सुनाए तो सोचना चाहिए कि स्वयं सुखदेव जी महाराज रहते हैं, तब कोई स्त्री नहीं है, तब कोई पुरुष नहीं है, स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव मत कीजिए, जब वो व्यासपीठ पर बैठ जाए, क्योंकि किसी की धारणा होती है कि स्त्रियों से कथा नहीं करवानी चाहिए, यह गलत है। बड़े बड़े महापुरुष लोग कहते हैं अरे भाई